Okay, I'm going. अस्सलाम वालेकुम जवाद साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक तबीयत ठीक है? बात जो आपने की वो सिर्फ अल्लाह सुबह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज औरतों का आलमी दिन पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र। धूप में बारिश का मज़ा ही कुछ और है जो कि हो रही है आज। और मैं सीधा दुकान आ गया, शॉप पे आ गया काम पे, क्योंकि सुबह का टाइम है और बस जल्दी आना था। आजकल का एक बड़ा कॉमन सा मसला है, भले वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, जो मैं देखता हूँ, पूछता हूँ और बात करता हूँ कि यार एक बात पे ना लोग बड़ा परेशान रहते हैं कि वो क्या है कि कल क्या होगा। कल इतनी फिक्र है कल की कि कल क्या होगा, कि वो आज का मज़ा भी खोते जा रहे हैं। और ये आपने भी सोची होगी, भले वो कोई भी नेशन हो, कोई भी जगह हो, कि यार पता नहीं कल क्या होने वाला है, कल क्या होगा। तो आज इस पे रखते हैं और पूछते हैं लोगों से, भाइयों से और आगे पीछे किसी से, कि आज का सवाल ये रख देते हैं कि क्यों फिक्र है कल की। तो दिन का आगाज़ करते हैं अल्लाह के नाम से, और बेहतरीन सुबह आपकी भी और मेरी भी इंशाल्लाह। लेट्स गो स्टार्ट द वर्क। चांद खाना बना रहा है, वेलकम बैक। और अब्दुल्ला माशाल्लाह, क्या हाल है बेटा? हाउ आर यू? गुड, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका माशाल्लाह नाम बताएं मुझे पहले। मेरा नाम अहमद भाई। अच्छा, मुझे पता था, ये तो पब्लिक के लिए ना। अहमद भाई कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई मेरी आपसे। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। ओह यू ओके? Yes, अच्छा भाई, एक सवाल है आज का हमारा, बड़ा मज़ेदार। हमारा सवाल ये कि आज हम काम करते हैं कल के लिए, लेकिन फिर भी पूरी कौम में, जिस कौम में भी देखो ना, सब ये बोलते हैं पता नहीं कल क्या होगा। फिक्र उनको कल की है, आज को छोड़ देते हैं। आप किस में कह रहा है? कल जो जो बनाएगा, जो कल लेगा आज, वो कल के लिए काम आएगा। उससे अमाल साले, अमाल नेक, बेशक जो वही कमाई है, अमाल ही कमाई है। बस ये कल क्या होगा, वही होगा जो आपका अमाल होगा। अमाल होगा, अमाल ठीक होगा कल भी बेहतर होगा, अगर आपका अमाल ठीक नहीं होगा कल भी खराब। बस ये दुनिया की ही है। तो फिक्र चेंज हो गई लोगों की, फिक्र चेंज हो गए सिर्फ बस पैसे के पीछे, दुनिया के पीछे, लालच, गाड़ी, बंगला, बच्चों, ये अमाल ठीक होगा कल भी ठीक होगा, अमाल गलत होगा कल भी खराब। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी बात, बहुत शुक्रिया अहमद भाई। और बिल्कुल ऐसा ही है, जज़ाकअल्लाह खैर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं, चाय पियेंगे मेरे साथ, आ जाए ना। अच्छा चल ठीक है। अहमद नहीं, अब्दुल्ला अहमद, ठीक है बेटा? ओके, आई एम गोइंग। इतना उदास क्यों है वे? सर ठीक है, फर्स्ट क्लास। आज का लगता है टॉपिक बहुत ही हैवी हो गया, कि आज ज़्यादातर लोग जो है वो मसरूफियत का शिकार है और करके जा रहे हैं। लेकिन अभी हम जरा बाहर चलते हैं कि बाहर क्या सीन चल रहा है। राइट, मैं आपको बताता हूँ, ये जो अभी आपने पिक्चर देखी ना, बड़े ये हमारे हाजी साहब हैं, हाजी महमूद साहब, बड़े ही अच्छे इंसान, नफीस इंसान, वन ऑफ द फाउंडर ऑफ हलाल फ्राइड चिकन शॉप इन लंडन 1990, और एशियन वेडिंग फिल्म मेकर्स, और बड़ा नाम है, और बहुत ही पते की और बहुत ही एजुकेशनल गुफ्तगू हुई मेरी इनसे, और बड़ी मज़ेदार बातें की इन्होंने और बहुत सिखाया माशाल्लाह थोड़े से टाइम में। बड़े नफीस इंसान है। नाइस टू मीट यू सर। अस्सलाम वालेकुम जवाद साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक तबीयत ठीक। जवाद भाई जा रहे हैं डिलीवरी पे, मैंने कहा आज जवाद भाई से पूछते हैं ज़रा। जवाद भाई जरा जाओ, गाड़ी पर ना लग जाना। जवाब आज का बड़ा मज़ेदार सवाल है, और सवाल ये कि लोग कल की फिक्र करते रहते हैं कि कल यह करना है, कल यह करना है, कल यह करना है। आज की फिक्र आज का मज़ा ख़राब कर देते हैं, आज नहीं जीते। लोगों को ये करना नहीं चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी का कोई पता नहीं है कि आज है कि नहीं, कल है।
तो बंदे को सोचना चाहिए अल्लाह पे छोड़ देने, कल का तो कल अल्लाह पे छोड़ेगा तो फिर होएगा वरना नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला पहले आज ही ले जाएगा तो क्या करेगा, आपको मंसूबे दिल में रहेंगे बंदे के। मैंने ऐसे बंदे देखे हैं जो बंदे सोच रहे थे कि मैंने कल ये करना है ये करना, लेकिन अल्लाह ने तौफीक नहीं दी, वो उसी दिन फौत हो गए, दुनिया से चले गए। लेकिन मैंने तो आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है कि लोग कल की फिक्र रखते हैं, लोग लालच हो गए, अब कोई नहीं है, लेकिन ग्रीडी हो गए ना, बदल गया जमाना, लेकिन होनी नहीं चाहिए, नहीं होनी चाहिए, लेकिन है तो आजकल लोग करते हैं कि कल ये कर लें ये कर लो, मैं भी कर सोचता हूँ ये मैं करूँगा, लेकिन नहीं उसी दिन करना चाहिए साहब को, आज ही आज जो टाइम पे बात होगी वही होती है, सही बात है, वैसे कोई बात नहीं। थैंक यू यार, अल्लाह हाफिज़। तो आज का दिन जो है हमारे सामने आया है और आज की बात हम कर सकते हैं, कल के बारे में हमारी मालूमात बहुत ही फरसूदा और बोसीदा है। ये काम करना है तो हमको अपने अंदर से ये काहली निकालनी होगी और आज ही काम जो है वो आज ही कर देना चाहिए, कल पे अगर आप छोड़ेंगे तो भी कल भी आप ये कहेंगे यार कि कल कर देंगे, तो बेहतर ये है कि इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखा जाए और आप आपके अपने आज को आज सर अंजाम दे दें तो ज़्यादा मुनासिब है और आपके लिए मुफीद साबित होगा इंशाल्लाह। बेसिकली आज मैं इसके लिए आपको 4 गोलियां दे रहा हूँ, 2 गोलियां सोने के बाद खा लीजिएगा और 2 जागने से पहले खा लीजिएगा, आपका हिसाब किताब बिल्कुल सही हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। यार ये 2 चीज़ें रखी हुई है। हाँ भाई रमन, खाना खाया? अभी खाना है। ओए होए, मैंने भी खाना है यार, खाना खा लेता हूँ। मैं आया था ड्रिंक लेने, कौन सा ड्रिंक पिए, एप्पल जूस पीते हैं आज, नहीं 39 पीकर कितना को अच्छा होगा। अच्छा मोहम्मद भाई खाना रेडी हो गया? मोहम्मद भाई खाना रेडी? आ जाओ चलें खाना खाते हैं, आ जाओ आप भी आ जाओ, आज साथ खा देना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, असल क्या हाल है? ठीक ठाक माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत अजान यार, ये हर जुम्मे में भी अजान देता है और मैंने इससे रिक्वेस्ट की है कि भाई आपने एक अजान तो लाजमी देनी है, तो मगरिब की अमूमन हो जाती है। अदीम भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह के शुक्र। मजा आया आज खाने? कैसा था आज? मजा आपने जो बोला था पुलाव आपके लिए जो बनाया था वो पुलाव, तुम अच्छी शक्ल पुलाव जैसी हो गई, खिला खिला के पुलाव, एक पुलाव ही आता है बनाना बस। माशाल्लाह। अच्छा आज का बड़ा मजेदार सवाल है, सवाल ये कि लोग इतना मसरूफ हो गए, इतना बिजी हो गए पर कल के लिए, आज वो अपना गवाह बैठे हैं और गवाह रहे हैं और वेस्ट कर रहे हैं कि पत्नी आज और कल में गुम हो गए, क्या राय है? बेसिक पॉइंट में आसिम भाई, जो आज का है ना, कल के लिए आज ना घुमाओ, जो आज है उसको तरीके से अच्छे तरीके से सर्व करो, अच्छी लाइफ गुजारने की कोशिश करो, आज का काम आज ही जमा, क्योंकि बोला भी गया है कि कल के लिए जहरीला ना करो, जो आज है आज देखो। लेकिन अमूमन तो यही देखा हुआ है कि लोग बोलते हैं यार पता नहीं क्या होने, कल क्या होगा, कल क्या होगा। वो क्या है कि वो इस चीज को, कॉन्फिडेंस को और इस चीज को भूल गए हैं कि तवक्का को भूल गए, तवक्कल नहीं है, जो आज है उसको समेटो, आज को अच्छा करें, कल के लिए नहीं, आज को आज के लिए अच्छा करें, कल होगी कल देखी जाएगी, आज का जो है वो आज करें। माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सबकी राय माशाल्लाह बहुत कीमती रही है, बहुत अच्छी रही है, और अब थोड़ा सा टाइम मिला तो मैंने क्या सोचा कि अपनी राय भी तो दे दो ना, और मेरी राय क्या है, मेरी राय बड़ी सादी सी है कि कल के लिए, अपने कल के लिए हम आज ख़राब करते हैं, अब इसको हम अदर वे राउंड सोचें कि जैसे हम आज को अच्छा करते हैं और अपने आज को अच्छा करते हैं तो कल खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा, तो हम इसको अदर वे राउंड सोचना शुरू कर दें कि जब हम कल के पीछे आज भी ख़राब करे जा रहे हैं और टाइम नहीं दे रहे फैमिली को और अपने आप को टाइम नहीं दे रहे हैं, पर लगे हुए दुनिया के कामों में, उलझे में, तो जहाँ रहें इंजॉय करें, कोशिश करेंगे इंजॉय करें और जिस काम में भी हैं उसको इंजॉय करें और मज़ा करें, अपने इर्द गिर्द जो आपके अच्छे लोग हैं उनको पहचानें, ये बहुत कीमती बात है और बहुत मेरे लिए बहुत ज़िंदगी की बड़ी कीमती बात है कि अपने इर्द गिर्द अच्छे लोगों को पहचानें, आपके मुखलिस दोस्तों को, मुखलिस जो आपसे मुखलिस हैं उनको पहचानें,
तो आपका कल खुद ब खुद ही अच्छा हो जाएगा। तो इसमें इतना सोचने वाली बात है नहीं कि जो मुकद्दर में लिख दिया गया है वो आपसे कोई ले नहीं सकता, और जो आपके मुकद्दर में नहीं है वो कोई आपको दे नहीं सकता। ये मेरा ईमान है, ठीक है। तो मेरी राय यह है कि आज ही अच्छा कर लें, कल खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। कैसा? ओके भाई लोगों, मैं जा रहा हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफ। बहुत ख्याल रखिएगा, डॉक्टर साहब को लंदन से दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज औरतों का आलमी दिन पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। ये दिन जब और जहाँ से शुरू हुआ वो सारे अंग्रेज थे, कोई पाकिस्तानी नहीं थी। हुन ऐ सोचो कि यार अगर अंग्रेज़ एक औरत दे नाल उहदा खावन लड़दा है, वह अगों अंग्रेजी च इन्नियां गल्लां करदी, इन्नियां गल्लां करदी है कि वह भी बकायदा तौर पर उसका जो मुकाबला कर रही होती है, जो कि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है या मुस्लिम कंट्रीज़ में ऐसा उतना नहीं है। पाकिस्तान में तो बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर तो एक साम्राज्य मर्द अपने आप को समझता है, और जो कि गलत है, बिल्कुल गलत है। इसमें औरतें बहुत नाजुक हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, बीवी है, माँ है। अब माँ तक तो आके आप एक औरत के नाते से बहुत ज़्यादा इज्जत करने लग पड़ते हैं। बेटी को भी आप जो है ना वो बड़ा जी प्यार और नाज से जो है वो उसको ट्रीट करते हैं। तो जो आपकी बीवी है, जो औरत है, वो भी तो किसी की बेटी है, वो भी तो किसी की बहन है, उसके साथ ऐसा क्यों नहीं? उसके साथ आप क्यों अपना जो है वो गुस्सा उतारते हैं, गालियां गलोच करते हैं? और इसके अलावा जी आप अपना एक रोब जमा, मैं भाई, जो कंट्रीब्यूशन आपकी ज़िंदगी में आपकी बीवी भी कर रही होती है आपके बच्चों के साथ, आप अपने आप को फन्ने खान समझते हैं कि जी मैं दफ्तर जा रहे हैं तो बड़ा काम करके हैं, सवेर तक गए, राती है, मैं तो गड्डी भी चलाई, साइकिल भी चलाई, मोटरसाइकिल भी चलाई, क्यों भाई? और तुसी जाके सोचिए कि सारा दिन बच्चों की जो छोटी छोटी ख्वाहिशात हैं, खाने पीने की, उठने बैठने की, कपड़ों की, सिलाई कढ़ाई, फिर धुलाई, बच्चों की धुलाई नहीं, कपड़ों की धुलाई, ये कौन कर रहा है? ये जो एक निज़ाम चल रहा है वो कौन कर रहा है? पीछे से कोई नहीं सोचता, जाएंगे बस ठीक है, रोटी नहीं ले आती भाई, सालन ठंडा हो गया, रोटी गर्म नहीं है, नमक ज़्यादा है जी, मिर्चा बहुत काटने हैं, क्यों भाई? जो चीज़ पकी है अब खाएं। आपका जो सोर्स है वो उसके अंदर रह के ही आपकी औरत जो कर रही है ना, आप उसको रेल पेल कर दें, उसको कहेंगे रोज़ाना चरगा पकेगा, वो रेसिपी सीख लेगी। हमने ही उसको दाल रोटी पे लगाना है, आलू पे लगाना है, तो उसकी रेसिपी वही रहेगी। इसलिए भाई ये एक दिन की बात नहीं है कि आज उसका आलमी दिन है और वो उसका मनाया जाता है, उसके हकूक दें, उसको डेली बेसिस पे दें, उनको वो रोज़ाना का जो है मामलात उनके भी देखें, उनकी ख्वाहिशात भी हैं वो भी आप पूरी करें, पूरी करते भी हैं, ये बात नहीं है कि नहीं करते, लेकिन बहुत सारे ऐसे मर्द होंगे हैं जो कि इन चीज़ों को नहीं बॉदर करते, इसका भी हिसाब किताब होगा। ये भी आप ज़रा पढ़ें तो सही इस्लामिक रूह से कि इसका क्या क्या हिसाब किताब होना है, इसके क्या हकूक हैं। लिहाजा मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। ये औरतों में आपके जो मुलाजमा हैं, घर में काम करने वाली हैं, वो भी बहन बेटी हैं किसी की, उनको भी बहन बेटी की इज्जत से देखें, उनको भी बहन बेटी की इज्जत से ट्रीट करें, उनके भी खाने पीने का उतना ही ख्याल रखें जितना आप अपनी एक फैमिली के लिए रख रहे हैं। लिहाजा मुझे बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला सब अच्छा होगा, अच्छा सोचेंगे अच्छा ही होता है। अपना और अपने इर्द गिर्द वालों का बहुत ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह निगेबान।